हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 17 अगस्त को होने वाले NXT शो के प्रीव्यू के बारे में। होगा इस नेक्स्ट NXT काफ़ी धमाकेदार होने वाली है। दो टाइटल मैच इसमें देखने को मिलेंगे और जैसे कि NXT का लास्ट एपिसोड है NXT टेक ओवर से पहले, तो हमें भरपूर एक्शन देखने को मिलेगा। और इसी के साथ बात करेंगे लास्ट वीक की स्मैकडाउन की व्यूअरशिप जो कि काफ़ी शॉकिंग रही है और इसे जानकर आप जरूर शॉक रह जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और फिर वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं आपके एक लाइक से ही। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं लास्ट स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के बारे में। तो गाइज आपको पता होगा एक दो दिन पहले भी स्मैकडाउन की व्यूअरशिप आई थी जो कि थी ओवरनाइट व्यूअरशिप। मैं बात कर रहा हूँ 13 अगस्त की व्यूअरशिप के बारे में। तो गाइज वो थी ओवरनाइट व्यूअरशिप 2.49 मिलियन व्यूअरशिप जो कि इस साल की सबसे ज़्यादा व्यूअरशिप थी। पर गाइज जो अब फाइनल व्यूअरशिप आई है उसको जानकर आप शौक रह जाएंगे, क्योंकि हर बार जो फाइनल व्यूअरशिप आती है वो ओवरनाइट व्यूअरशिप से ज़्यादा आती, पर हो गया इस बार काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल और इस फाइनल व्यूअरशिप बनी है 2.08 मिलियन। तो ये बहुत ज़्यादा डिक्रीमेंट हुआ है और ये फाइनल व्यूअरशिप है और ये उससे लास्ट वीक स्मैकडाउन की व्यूअरशिप से भी कम है। तो भाई शो तो इतना बेकार नहीं था, इस फिगर ने तो जरूर दिमाग खराब कर दिया होगा WWE के मालिक विंस मैकमैन का। और अब बात कर लेते हैं NXT पर हमें क्या कुछ देखने को मिलेगा। तो गाइस यहां पर होने वाला है चैंपियनशिप मैच NXT टैग टीम चैंपियनशिप के लिए MSK वर्सेस इंपीरियम के बीच में। तो इंपीरियम है हमारे फॉर्मर NXT टैग टीम चैंपियन, तो फिर से उन्हें अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो MSK से चैंपियनशिप ले पाए। पर जैसे कि आपको पता है MSK को हराना इतना आसान नहीं है। MSK हमें काफी लंबे टाइम से टैग टीम चैंपियन देखने को मिल रहे हैं। तमोशी चैंप और तिमोथी थैचर जैसी टीम MSK को नहीं हरा पाई, तो क्या इंपीरियम हराएंगे? क्या वो बनेंगे न्यू टैग टीम चैंपियन? इसके बहुत कम चांसेस हैं। फिर भी टेक ओवर आने वाला है तो हो सकता है WWE यहाँ पर कुछ शॉकिंग मोमेंट दिखाने के लिए, हाइप बढ़ाने के लिए यहाँ पर टाइटल चेंज कर भी सकती है। और यहाँ होने वाला है NXT ब्रेकआउट टूर्नामेंट का सेमीफाइनल कैरमेलो हैरिस वर्सेस ड्यूक हुडसन के बीच में। जो भी इस मैच में जीतेगा वो पहुंच जाएगा सीधा फाइनल में और फेस करेगा ओडीसी जोन्स को जो कि पहले फाइनल में है। तो सेमीफाइनल का मैच है तो तगड़ा मैच हमें देखने को मिलेगा और पॉसिबली कैरमेलो हैरिस यहाँ पर जीत सकते हैं। इसके अलावा गाइस बात करें फीमेल डिविजन से, और जैसे कि आपको पता है भाई NXT टेक ओवर के लिए राकेल गंजालेस का मैच कन्फर्म हो चुका है डकोटा काई के साथ NXT वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए। और डकोटा काई भी एक तगड़ा कॉम्पिटिशन दे रही है राकेल गंजालेस को, तो यहाँ पर राकेल गंजालेस और डकोटा काई का भी हमें कन्फ्रंटेशन देखने को मिलेगा नेक्स्ट NXT पर। तो डकोटा काई भी कोई कसर नहीं छोड़ेंगी राकेल गंजालेस को डोमिनेट करने के लिए, तो नेक्स्ट NXT पर इनका कन्फ्रंटेशन देखना भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसके अलावा गाइस यहाँ पर एक और मैच होने वाला है और ये होगा चैंपियनशिप मैच क्रूजर वेट टाइटल के लिए। यहाँ पर कुशीडा फेस करेंगे रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को अपनी टाइटल डिफेंड करने के लिए। तो गाइस यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने आके अटैक किया था रिटर्न करके कुशीडा पर और अब उन्हें फाइनली अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है। तो यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को भी हराना इतना आसान नहीं होगा कुशीडा के लिए। और वैसे भी कुशीडा तो एक तगड़े सुपरस्टार हैं, काफ़ी हाई फ्लाइंग्स मूव भी करते हैं, पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग ने जिस तरह से रिटर्न किया अपने फैक्शन के साथ, तो यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के जीतने के चांसेस हैं। और इस मैच में भी हमें टाइटल चेंज देखने को मिल सकता है, काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इस मैच में टाइटल चेंज की। इसके अलावा गाइस यहाँ पर एक और एडवर्टाइज़ किया गया सेगमेंट जो कि है कन्फ्रंटेशन समोआ जो और करियन क्रॉस का, क्योंकि आपको पता है NXT टेक ओवर के लिए NXT चैंपियनशिप मैच कन्फर्म है करियन क्रॉस वर्सेज समोआ जो का। और अब तक हमें बहुत ही तगड़ी फ्यूड देखने को मिली है, तगड़ा एक्शन देखने को मिला है। भाई समोआ जो भी पूरे गुस्से में है, करियन क्रॉस भी माइंड गेम्स खेल चुके हैं समोआ जो के साथ। पर अब जब फाइनली ये दोनों सुपरस्टार आमने सामने रिंग में होंगे तो यहाँ पर कौन स्ट्रॉन्ग रहता है? क्या करियन क्रॉस समोआ जो की तगड़ी हेल्थी बॉडी के सामने टिक पाएंगे कि समोआ जो यहाँ पर पूरे मूड में इन रिंग रिटर्न करने वाले हैं कि वो करियन क्रॉस को डिस्ट्रॉय करेंगे? यहाँ पर समोआ जो को डोमिनेट करना पाना इतना आसान नहीं हुआ करियन क्रॉस के लिए। तो ये सेगमेंट बहुत ज़्यादा एक्शन से भरपूर रहने वाला है। बाकी स्टैंडल कौन करता है लास्ट NXT के एपिसोड पर, ये तो हमें नेक्स्ट NXT पर ही पता चलेगा। तो गाइस ये सारे सेगमेंट और मैचेस हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा नेक्स्ट NXT पर। रेज हॉलैंड का अब क्या रहता है? रेज हॉलैंड का भी किसी के साथ मैच हो सकता है नेक्स्ट NXT पर। तो गाइस आप जरूर कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है समोआ जो बन सकते हैं न्यू NXT चैंपियन, और स्मैकडाउन की व्यूअरशिप के लेकर आपका क्या कहना है। और यार वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक जरूर दे देना, अपना चैनल को लेना सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर सेट कर लेना। तो फिर जल्दी मिलते हैं, तब तक ख्याल रखें अपना।